चलिए बात करेंगे पन्ना जिले के पवई की, जहाँ विधायक प्रहलाद सिंह लोधी के बेटे महेंद्र प्रताप सिंह लोधी की पहली पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। दो दिन तक चलने वाले इस हेल्थ कैंप का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे की मौजूदगी में हुआ। शिविर में पहले दिन जिले भर से मरीज स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंचे। पिछली बार भी यहाँ पर जो कैंप लगा था उसमें लगभग 10,000 लोगों का निःशुल्क छोटे बड़े ऑपरेशन हुए थे। इससे पूरे विधानसभा की जनता को जो बड़े बड़े क्रिटिकल बीमारियाँ होती हैं उनका भरपूर लाभ मिला है और एक बड़ी से बड़ी बीमारियों के निःशुल्क ऑपरेशन भोपाल ले जाके करवाए गए हैं। जो भी लोग अभी रह गए हैं वो अभी आ सकते हैं, शिविर कल का भी है और यहाँ पे इलाज करवा के और बड़ी बीमारियों के लिए भोपाल। कहाँ से आए हैं आप? रिचि से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक आयुष्मान भारत योजना जो चलाई गई थी, जिसके द्वारा यहाँ पर विकलांगों के लिए व्हील चेयर प्रदान की गई है और कान की मशीन भी जिनको नहीं सुन पा रहा तो वो भी प्रदान की गई है। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए और उसी आयुष्मान भारत योजना के तहत एक आज से शिविर भी लगाया गया है, जिससे आयुष्मान कार्ड में सभी लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं पूरा आभारी हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मुंबई में एक बड़े अस्पताल का स्वरूप इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में देने का काम किया है। मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामना भी देता हूँ, क्योंकि वो खुद भी अभी पैर में तकलीफ है, उनका अस्वस्थ है, उसके बावजूद इस क्षेत्र की जनताओं की चिंता कर रहे हैं, स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और लगभग 300 मेडिकल के पूरा स्टाफ, 150 मेडिकल ऑफिसर हैं, 150 पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ऐसे 300 लोग यहां पर काम कर रहे हैं। दो दिन के लिए निःशुल्क लोगों के इलाज करेंगे।